हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1.13 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव कंटिन्यूस चार्ज। क्लियर? वी कैन एज्यूम ऑब्जेक्ट इन थ्री वेज। सपोज द ऑब्जेक्ट ओनली फॉर वन डायमेंशन, second one is for two dimensional and third one is for three dimensional. Okay, now continuous charge distribution have three types, so we study about its all three types. So first one is called linear charge distribution। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये जो हमारा एक सब टॉपिक है वो वन डायमेंशनल के लिए होगा, तो वन डी में बात करेंगे। सो यहाँ पे सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर? अब ये वन डायमेंशनल है तो सिर्फ इसकी लेंथ की बात करेंगे। अगर लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जगह पे सेम चार्ज होगा। क्लियर? अब यहाँ से सपोज के हमें एक ओ पॉइंट हमने एज्यूम किया, वी कॉल इट एज ओरिजिन, एंड यहाँ पे मैं एक पी पॉइंट को एज्यूम करता हूँ। ओके, नाउ ओ इज ओरिजिन। यहाँ पे अगर हमें ये समझना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्मॉल एलिमेंट में कट करेंगे। अब स्मॉल एलिमेंट में क्यों कट करना है? तो स्मॉल एलिमेंट में कट करके हम लोग पहले वो जो स्मॉल एलिमेंट है उसका स्टडी करेंगे। क्लियर? तो स्मॉल एलिमेंट पे सपोज के दिस स्मॉल एलिमेंट हैव लेंथ वेरी स्मॉल, लेट्स से डेल्टा एल। क्लियर? अब ओ to that small element, that distance take it as r, and small element to p distance take it as r dash. Now let's say o to p distance, so difference between these two we can write it as r dash minus r. अब ये जो जितने भी distance हमने लिखे हैं यहाँ पे ये सभी vector quantity है, so we can write vector as well. Let's say vector r dash minus vector r is equal to vector capital R. Clear? Okay. Now जो linear charge distribution है, तो linear charge distribution को अगर हमें समझना है उसकी density से समझेंगे। density मतलब कि जो object है तो उस पर जो charges है how dense they are, how dense they are. Clear? So linear charge distribution को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे linear charge density. So linear charge density एक physical quantity है, उसको हम लोग lambda से denote करेंगे। Clear? So now what is linear charge density? तो linear charge density means ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो लेंथ, और उस पे जो ये जो स्मॉल एलिमेंट है उस पे जो चार्ज है वो चार्ज। तो अगर हमें ये अगर डिफाइन करना है, सॉरी डेल्टा एल, अगर ये हमें डिफाइन करना है तो स्मॉल एलिमेंट पे सपोज के चार्ज है वो भी स्मॉल रहेगा, दैट इज डेल्टा क्यू। सो लैम्ब्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंपल मीनिंग इज दैट द चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब उसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इज चार्ज का यूनिट कूलम, डेल्टा एल इज लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। क्लियर? अब दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा टू डायमेंशनल, टू डी। अब उसका अगर ड्राइंग लेंगे तो वो टू डायमेंशनल है, मतलब के सपोज के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही उसका ड्राइंग हो सकता है, क्लियर। अब उसमें भी हमें उसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, तो ऐसे स्मॉल एलिमेंट में हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। सभी स्मॉल एलिमेंट में ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा स्मॉल एलिमेंट्स दिखा दिए, ओके। सिमिलरली यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे पी ओरिजिन टू स्मॉल एलिमेंट विच वी हैव टू स्टडी एंड स्मॉल एलिमेंट टू दिस पॉइंट पी। ओ टू स्मॉल एलिमेंट अगेन डिनोट बाय दैट डिस्टेंस वेक्टर आर। स्मॉल एलिमेंट टू पी दैट डिस्टेंस वी कैन राइट वेक्टर आर डैश। नाउ ओ टू पी, सो हियर अगेन वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर कैपिटल आर, क्लियर। ओके नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल दैट इज सिग्मा। अब सिग्मा की फॉर्मूला हमें लिखनी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू ये जो स्मॉल एलिमेंट बना जो कि टू डायमेंशनल है उस पे जो चार्ज है वो अगेन टेक इट एज डेल्टा क्यू। और ये अब टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल में एरिया होता है, तो यहाँ पे बाय डेल्टा एस मीन्स चार्ज अपॉन एरिया, ओके क्लियर। नाउ इसकी अगर यूनिट की बात करें तो सिमिलर चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी पहले आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वी नो दैट नाउ 3D को अगर ड्रॉ करना हो तो 3D ये जैसा ड्रॉ करना है, क्लियर। तो ये हो गया 3D, ओके। नाउ 3D में हमें यहाँ पर भी स्मॉल एलिमेंट को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे स्मॉल क्यूब निकल के आएगा, अगेन ओरिजिन एज ओ पी पॉइंट ओरिजिन टू स्मॉल एलिमेंट स्मॉल वॉल्यूम क्यूब टू पी पॉइंट, क्लियर। नाउ वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर आर डैश, ओके। नाउ ओ टू पी डिस्टेंस अगेन वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर। हियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है रो। नाउ रो इज इक्वल टू अगेन चार्ज ऑन दैट स्मॉल क्यूब अपॉन चार्ज ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल क्यूब, क्लियर। सो नाउ यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कूलम्ब अपॉन वॉल्यूम यूनिट इज मीटर क्यूब, क्लियर। ओके अब हमने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ लिए, बट इस डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे जस्टिफाई करेंगे ये समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सपोज के लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हमने सभी जगह पी पॉइंट लिए थे तीनों पे, तो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी वेक्टर ई इज इक्वल टू, वी नो दैट इट्स सिंपल फॉर्मूला इज के। नाउ चार्ज ऑन दैट स्मॉल एलिमेंट इट इज डेल्टा क्यू एंड अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, बिकॉज यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो हियर टू हियर डिस्टेंस दैट इज आर डैश स्क्वायर। अब हमें वेक्टर क्वांटिटी भी लिखनी है, तो आर हैट डैश, क्लियर, ओके। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर डेल्टा क्यू को हम लोग यहाँ से सब्जेक्ट बना के यहाँ पे रखते हैं
तो फॉर्मूला बिकम्स नाउ वेक्टर ई इज इक्वल टू के, नाउ इट विल बिकम लैम्डा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर आर हैट डैश, क्लियर। सो हमारे इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर हेड डैश। सिमिलर यहाँ से डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बनाते हैं, डेल्टा क्यू सब्जेक्ट, तो के सिग्मा डेल्टा एस अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर हेड डैश। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए वेक्टर इज इक्वल टू के डेल्टा क्यू अपॉन आर हेड स्क्वायर आर हेड डैश इज इक्वल टू के रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर हेड डैश। तो ये बन गए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, क्लियर। ओके, नाउ हियर यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट लिया था, यहाँ पर भी एक स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर भी एक स्मॉल, बट हमें पी पॉइंट पे पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो बहुत सारे जितने भी स्मॉल एलिमेंट है उसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो सभी का हमें सम कर देना है। सम मतलब सिग्मा, सिग्मा ऑल डेल्टा एल, ये सिमिलर सिग्मा ऑल डेल्टा एस, सिमिलर सिग्मा ऑल डेल्टा वी। तो यहाँ पर हमें पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, लाइन ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला मिला, यहाँ पे पूरे सरफेक्स ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, और यहाँ पे पूरे वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला मिल गया। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।